बीकानेर शहर में स्पा की आड़ पर अनैतिक काम लगातार जारी थे। दरअसल स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा शहर में फलने फूलने लगा। ऐसे ही एक शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की जहां 13 लोगों को पकड़ लिया। थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि हीरालाल मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर पर पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापामारी की, जिसमें 7 युवक और 6 युवतियों को पुलिस दल ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस स्पा सेंटर की पुलिस को लगातार लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इसकी पुष्टि पुलिस ने आज सुबह एक बोगस ग्राहक भेजकर की। जैसे ही मामले की पुष्टि हुई, पुलिस ने तुरंत यहां छापेमारी की। एक पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची थी, जहां 13 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। थाना अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में लगातार जो है जिसमें फरोशी का धंधा यहां किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे में आए हुए युवक युवतियों को पकड़ा और उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले कुछ समय से जो स्पा सेंटर संचालित है, उनमें स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति करवाने की शिकायतें मिल रही थी। इन सूचनाओं पर हमने हमारे स्तर पे गोपनीय सत्यापन करवाया। आज श्रीमान सीओ साहब सिटी के नेतृत्व में कोटखेड़ थाने की टीम ने हीरालाल मॉल स्थित स्पा सेंटर पर रेड करी, जहां कुल 7 पुरुष और 6 महिलाओं से 13 लोगों को हमने डिटेन किया है, जो सभी के सभी वहां मौके पर आपत्तिजनक स्थिति में थे और वहाँ स्पा सेंटर जैसे कोई अलामत नहीं थे। सारे अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे और इस मौके की कार्रवाई को अभी हम पेट एक्ट में यहाँ केस दर्ज कर रहे हैं। सर, कुल क्या इससे एक से ज़्यादा था? यहाँ तो एक स्पा सेंटर था और सब क्षेत्र में दूसरा था, वो बंद था, और बाकी जो स्पा सेंटर है वो सब हमारे रडार पर। यदि उनमें भी इस तरह कोई अवैध गतिविधि पाई जाएगी, हम सबका गोपनीय रूप से सत्यापन करा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो वैलिडिटी है, किस डिपार्टमेंट से क्या परमिशन होती है, उसका भी हम सत्यापन करवा रहे हैं और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी भविष्य में हम करेंगे। ठीक सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।